प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिनको देख लेने के बाद आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि विच डिजिट हैव द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन 5375। तो यहाँ पे एक आपको नंबर दिया है 5375, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका एक डिजिट की वैल्यू, जो एक जो कौन सा ऐसा डिजिट है इस नंबर में जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, सेम है। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये देखेंगे नंबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको पता करना है कौन सा नंबर है। तो ये नंबर हम नोट कर लेंगे यहाँ पे कि गिवन नंबर क्या है। यहाँ पे गिवन नंबर हमारा क्या है, 5375। अब यहाँ पे इसका हम लोग निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, फाइव क्या होगा, फाइव का प्लेस वैल्यू जो होगा इसका, फाइव क्या होगा, ये किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, फाइव इंटू वन इजक्ल टू फाइव। सेवन की प्लेस क्या होगी, सेवन कौन से प्लेस पे है, तो टेंस पे है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेवन इंटू टेन मीन्स 70। फिर थ्री कहाँ पे है, थ्री हमारा 100 पे है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री इंटू 100 मीन्स दैट 300। और फाइव कहाँ पे हमारा, 1000 पे है। तो कहाँ पे हो जाएगा इसका, फाइव इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसकी प्लेस वैल्यू। ये सभी क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू। ये क्या है, इसकी प्लेसेज है, किस प्लेस पे ये नंबर है। अब यहाँ पे इसका हम फेस वैल्यू देखेंगे। तो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्ट वही जो डिजिट है किसी भी नंबर में, जो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। मतलब फेस वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वही चीज़ होता है। जैसे फाइव को लिखना होगा तो फाइव को ऐसे ही लिखेंगे, फाइव को ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी फेस वैल्यू क्या है। तो इसकी फाइव की फेस वैल्यू क्या होगी, फाइव ही होगी। थ्री की क्या होगी, थ्री ही होगी। सेवन की क्या होगी, सेवन ही होगी। और फाइव की क्या होगी, यहाँ पे फाइव ही होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डिजिट है जो कौन सा है, यहाँ पे फाइव है। अब फाइव का फेस वैल्यू जो है, ये क्या है इसका फेस वैल्यू, ये क्या है इसका फेस वैल्यू, ये भी क्या है हमारा फाइव है। और इसका प्लेस वैल्यू क्या है, ये भी हमारा क्या है फाइव है, प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट है, कौन सा डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बता देंगे हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में हमारा क्या हो जाएगा कि यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट फाइव, यूनिट डिजिट फाइव। अब इसको वंस क्या कहते हैं, वंस का दूसरा नाम यूनिट भी होता है, इसको क्या कहते हैं यूनिट, वंस या यूनिट दोनों कह सकते हैं। तो यूनिट डिजिट फाइव क्या हो जाएगा इसका, एज प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, क्लियर है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, कि मतलब हमेशा क्या होता है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ फाइव। इसका फाइव का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ रहा है किस नंबर में, 64573 में। इसमें पूछ रहा है कि इसका फाइव जो है, इसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, इस नंबर में फाइव का प्लेस वैल्यू का और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो क्या करेंगे, गिवन नंबर हमारा क्या है, गिवन नंबर हमारा है 64573, ये हमारा गिवन नंबर है। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि फाइव की प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू पी वी हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, पी वी, प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इज क्या हो जाएगा, ये किस किस प्लेस पे है यहाँ पे, तो फाइव इंटू वंस, ये कहाँ पे वंस, टेंस, और ये कहाँ पे हंड्रेड है। तो क्या हो जाएगा, फाइव इंटू हंड्रेड, फाइव इंटू हंड्रेड, तो कितना हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, फाइव हंड्रेड हो जाएगा। प्लेस वैल्यू फाइव क्या हम लोग निकालिए, 500। अब क्या निकालना है हमको, फेस वैल्यू, तो एफ वी मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एफ वी मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ फाइव इज। अब फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू आप जानते हैं कि एग्जैक्ट वही वैल्यू होती है, एग्जैक्ट जो जो नंबर है वही क्या होता है उसका फेस वैल्यू होता है। तो फाइव यहाँ पे है तो फाइव पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका फेस वैल्यू, फाइव ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ डिफरेंस, अब क्या पूछ रहा है हमसे, डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन पी वी एंड एफ बी मतलब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या हमारा 500,
और फेस वैल्यू क्या हमारा 5 है, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 495, मतलब 500 में से 5 को माइनस जब करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा हमको 495। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, क्लियर है? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है व्हाट विल वी गेट व्हेन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज डिवाइडेड बाय, ये क्या है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 745,374। अब कह रहा है ये कि हम लोग क्या पाएंगे यहाँ पे जब प्लेस वैल्यू 5 का प्लेस वैल्यू को 5 के फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ओके, कुछ क्लियर हो रहा है? कह रहा है कि जब इस नंबर में 5 के प्लेस वैल्यू को 5 के फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या नंबर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर जो है हमारा क्या दिया है 745,374। अब हम कह रहे हैं प्लेस वैल्यू को 5 के प्लेस वैल्यू को 5 के फेस वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं कि प्लेस वैल्यू पीवी लिखा हूँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा। अब यहाँ 5 कहाँ पे, ये देखिए ये कहाँ पे 1s, 10s, 7s पे, 3 कहाँ पे 100 पे है, ये कहाँ पे 5 कहाँ पे, यहाँ पे तो 5 हमारा 1000 पे है, तो 5000 पे, इसका मतलब प्लेस वैल्यू 5 क्या हो जाएगा 5 × 1000, तो कितना हो जाएगा 5000। प्लेस वैल्यू से क्या हो जाएगा 5000। अब फेस वैल्यू निकालेंगे, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज क्या हो जाएगा, और फेस वैल्यू जानते हैं एग्जैक्ट वही नंबर होता है, एग्जैक्ट वही डिजिट, सेम डिजिट, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी 5 ही होगी। नाउ अब क्या करना है इसको, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 5, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कि पीवी ऑफ 5 डिवाइडेड बाय एफबी ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब पीवी ऑफ 5 क्या है 5000 है, और डिवाइडेड बाय किसको, किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो एफबी ऑफ 5 मतलब फेस वैल्यू 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो 5 ही होगी, 5 ही होगी। तो क्या होगा 5000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे यहाँ पे, क्या पाएंगे यहाँ पे 5000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग वैल्यू पाएंगे यहाँ पे क्या 1000। क्लियर है, ये हमारा आंसर है, डिवाइड करना जानते हैं ना, 5000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1000। देख लीजिए जैसे 5000 है, इसको 5 × 1000 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड मतलब होता है बाई में आ जाएगा, और ये 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1000 मिलेगा। ओके, या ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसे भी निकालेंगे तो 5 कितने बार में जाएगा 1 times में जाएगा यहाँ पे 5 × 1 = 5, और फिर कितना हो जाएगा ये कट जाएगा, और ये 3 0 यहाँ पे एज इट इज़ 3 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 को फेस वैल्यू ऑफ 5 से डिवाइड करेंगे इस नंबर में तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 1000। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, थैंक यू। सीबीसेंस यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड में क्लिक करके यहाँ पे आप नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को जान सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्लिक करें।